हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 5paisa के बारे में और इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये स्टॉक हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं इस कंपनी का एनालिसिस और इस कंपनी को समझना कैसे है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा और वहां से हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कंपनी है ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा रिसेंटली न्यूज में तो इसमें ग्रोथ बहुत अच्छे आए हैं और इसकी वजह भी रही है कि जो फाइनेंशियल कंपनीज थी जैसे बैंक्स है आईसीआईसीआई एचडीएफसी ये इनका जो मॉडल है वो थोड़ा अलग था। ये पहले क्या करते थे ये ब्रांचेस बनाते हैं आपको रिलेशनशिप मैनेजर देते हैं और उसके थ्रू आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनके पास टेक्नोलॉजी भी होती है पर ये प्योर टेक्नोलॉजी प्लेयर नहीं होते इनका ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे जो डिसरप्शन आया है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज ने बहुत बड़ा डिसरप्शन लाया है। जैसा आप जानते होंगे जीरोधा ने डिस्काउंट ब्रोकरेज चालू किया था और उसके आज तो आपको अगर पता होगा तो जीरोधा नंबर वन है क्लाइंट बेस में अगर आप देखेंगे सिक्योरिटीज बिजनेस में। तो ये टेक्नोलॉजी कंपनी होते हुए बहुत लेट एंटर करने के बावजूद डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल की वजह से जीरोधा आज नंबर वन बन चुका है। तो जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपको समझना है, इसको वैल्यूएशन कैसे करना है, पर इसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये जो कंपनीज है टेक्नोलॉजी कंपनी, टेक्नोलॉजी में जो अपफ्रंट कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म पूरा बिल्ड करना पड़ता है, सारे फीचर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, आपको इंजीनियर्स हायर करने पड़ते हैं। आप वो प्लेटफॉर्म चाहे एक कस्टमर को दे या बहुत ज्यादा कस्टमर को दे पर आपको सारे फीचर्स बिल्ड करने पड़ेंगे। तो यहाँ जो आपका अपफ्रंट कॉस्ट हो जाता है, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो बहुत ह्यूज हो जाता है। उसके बाद अगर आपके कैसे भी कस्टमर बढ़ते रहेंगे उसके बाद जब वॉल्यूम ग्रोथ आएगा उसके लिए बस आपको सर्वर्स बढ़ाने पड़ते हैं, आपका क्लाउड में होगा, बस सर्वर्स बढ़ाने हैं। आपकी जो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है वो बहुत कम बढ़ती है एज कम्पेयर टू आपका जो रेवेन्यू होगा। तो ये जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज है इनका अपफ्रंट कॉस्ट तो बहुत ज्यादा होता है पर अब इनको प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये कस्टमर्स बढ़ाएं, क्योंकि फिर जब इनके कस्टमर्स बढ़ेंगे रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी। उस हिसाब से देखेंगे आप इनका कॉस्ट नहीं बढ़ेगा क्योंकि कॉस्ट तो इनका अपफ्रंट ही बहुत ज्यादा होता है एक बार इन्हें सारे फीचर्स बिल्ड करने के लिए। तो इनका जो प्रॉफिट है आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो बढ़ते ही जाएगा क्योंकि इनका टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, उसके बाद इन्हें बस वॉल्यूम हैंडल करना है उसके, और उस हिसाब से जो इनकी जो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन वो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगा पर आपका रेवेन्यू बहुत बढ़ता जाएगा। और इनके लिए स्केल करना बहुत आसान होता है, ये चाहे तो पूरे इंडिया को सर्व कर सकते हैं, इनको बस सर्वर्स बढ़ाने हैं, ब्रांच ओपन करनी नहीं है। तो इनके लिए स्केल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है ये आप कभी भी देखेंगे ये सबसे पहले टारगेट करती है कि इनका सेल्स बढ़े, ये प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट नहीं करती है क्योंकि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है जहां इनका सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उसके बाद ये प्रॉफिट बनाने लगती है। तो ये इनका मेन टारगेट होता है कि ये मार्केट शेयर कैप्चर करे, ज्यादा क्लाइंट्स ऑन बोर्ड करे और फिर ये जो वॉल्यूम ड्रिवन है उसके थ्रू ये प्रॉफिट बनाएंगे बाद में। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिए क्योंकि यही सारे एंगल से हम इस कंपनी को एनालाइज करेंगे क्योंकि ये एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है और टेक्नोलॉजी कंपनीज का जो बिजनेस है, जो मॉडल है, आजकल ऐसे ही इवॉल्व हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये कंपनी क्या करती है क्योंकि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का डोमेन बहुत बड़ा है पर ये 5paisa उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स या कौन कौन से सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। तो इस कंपनी का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो ये भी डिस्काउंट ब्रोकर है। अगर आपको जीरोधा का मॉडल पता होगा कि जो वो 20 rupees फ्लैट चार्जेस ले, पहले के आप अगर ब्रोकर्स देखें HDFC ICICI एक्सिस वगैरह, तो उनका जो मॉडल था उनका परसेंटेज बेस्ड मॉडल था। तो अगर आपका आपका अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आपको वो परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, पर ये डिस्काउंट ब्रोकर का जो मॉडल है इनका एक फ्लैट चार्जेस है कि 20 rupees आप दीजिए और ट्रांजेक्शन करिए। तो आप चाहे ₹1,00,000 का ट्रांजेक्शन करें या आप 10 rupees का करें, आपको फ्लैट 20 rupees देना है। तो ये मॉडल से क्या हो जाता है कि जो कस्टमर्स है उन्हें बेनिफिट हो जाता है और जो ट्रेडर्स हैं वो जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट में ट्रेड करते हैं उनको बेनिफिट हो जाता है क्योंकि फिर अब उन्हें उनके ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, आप ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट है उसके बेसिस पे चार्जेस नहीं पे करने हैं, वो कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर उन्हें चार्जेस पे करना है, हर ट्रांजेक्शन का उन्हें 20 rupees देना है। तो ये जो डिस्काउंट ब्रोकर का मॉडल है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था जीरोधा ने और जीरोधा आज नंबर वन प्लेयर बन चुका है, वो भी एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है और उनका अगर आप रिसेंट वैल्यूएशन देखेंगे तो $1 billion का वैल्यूएशन भी हो चुका है। ये कंपनी भी सेम डोमेन में है, इनका भी मॉडल सिमिलर है, ये प्योर टेक्नोलॉजी कंपनी है, इनका भी अगर आपको पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर या इंटरेक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, इनका ऑनबोर्डिंग से लेकर तो सब कुछ डिजिटल होगा, सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। तो ये डीमैट अकाउंट और डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफर करते हैं और इसके अलावा ये रिसर्च प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं कि जिससे इनके प्लेटफॉर्म पे जो कस्टमर आए हैं वो रिसर्च पढ़ सके, उस रिसर्च के बेसिस पे, उस एनालिसिस के बेसिस पे
डिसीजन ले सके, जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी रिसर्च अगर आपको मिले तो उससे आप बहुत बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है आपको, आप अपने डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं कि उस कंपनी में आपको बाय करना है या नहीं करना। तो ये रिसर्च ऑफरिंग्स भी इन्होंने की है टाई अप करके। इसके अलावा ये बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो इनका जो रिसर्च ड्रिवन ऑफरिंग है वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए है, वो स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए है। बेसिकली कैंसलिम का जो मॉडल है वो बहुत पॉपुलर है और उस कंपनी से इन्होंने टाई अप किया हुआ है। तो इन्वेस्टर को ये 4000 से ज्यादा कंपनीज का डिटेल्ड एनालिसिस कैंसलिम मॉडल के बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये जो रिसर्च है ये बहुत यूजफुल होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। इसके अलावा इन्होंने स्मॉल केस बेसिक से इंटीग्रेशन किया है। स्मॉल केस में बेसिकली क्या होता है कि आप थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, कि जैसे डिजिटल इंडिया की अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव है तो उससे किन कंपनीज को फायदा होगा, या तो फिर IoT से किन कंपनीज को फायदा होगा। तो ये जो थीम बेसिस इन्वेस्टमेंट होता है वो स्मॉल केस प्रोवाइड करता है, उससे इंटीग्रेशन इन्होंने किया है। तो वहां पे भी बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है, वो थीम बेसिस पे कोई भी एक थीम के बेसिस पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो ये इन्होंने स्मॉल केस से इंटीग्रेशन प्रोवाइड किया है। इसके अलावा जो सेंसिबल है ये, इसका इंटीग्रेशन आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म में दिखेगा, जीरोधा में भी दिखेगा। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज है और इसका भी इंटीग्रेशन इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी चीजें सेंसिबल के थ्रू आपको मिल जाती है, इसके साथ भी इंटीग्रेशन इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। अब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। जैसे कि इक्विटीज है, इक्विटी शेयर्स आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कमोडिटीज में भी डील करती है कंपनी, करेंसी ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करती है, म्यूचुअल फंड भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके कमीशन नहीं लेते। ये डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करते हैं, इन्होंने पर्सनल लोन ऑफरिंग भी चालू कर दी है। रिसर्च, जैसा कि हमने देखा कि ये रिसर्च भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी इनकी एक ऑफरिंग है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट में भी ये एंटर कर चुके हैं। तो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये धीरे धीरे प्रोडक्ट आप देखेंगे तो ये बढ़ाते ही जा रहे हैं और आगे भी डिस्कस करेंगे। इनके सब्सिडरीज भी है एक एक प्रोडक्ट्स को लेकर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप देखें अभी तक तो ये कंपनी जो है इनका जो मेन बिजनेस है वो डिस्काउंट ब्रोकरेज का है। ये ब्रोकरेज चार्ज करते हैं आपको, ट्रेडिंग का ऐप प्रोवाइड करते हैं और ट्रेड जिसके तहत लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब इनकी सब्सिडरीज देख लेते हैं। इस कंपनी की 3 सब्सिडरीज है, 5paisa इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड जो कि अभी प्रोसेस में है, IRDA जो कि हमारे इंश्योरेंस की एजेंसी है जिससे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस और रजिस्टर कराना पड़ता है अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए, वो उस प्रोसेस में है। 5paisa P2P लिमिटेड जो कि पीयर टू पीयर लेंडिंग, बेसिकली आप ये कुछ लोगों से पैसे लेंगे और कुछ दूसरे लोगों को देंगे। तो ये जो लेंडिंग का एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं कि आप पीयर टू पीयर लेंडिंग हो सके, एक इंसान जो लेंड करना चाहता है, लोन देना चाहता है, वो इनके प्लेटफॉर्म पे आके लोन दे सकता है और दूसरा इंसान जो चाहता है लोन लेना इनके प्लेटफॉर्म पे आके लोन ले सकता है। अभी ये P2P के लिए इन्हें RBI से अप्रूवल मिल चुका है और ये अभी इसका सिस्टम बिल्ड करने के प्रोसेस में है। इसमें थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन भी होना चालू हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने एक नई सब्सिडरी बनाई है 5paisa ट्रेडिंग लिमिटेड, जिसके लिए अभी एक सिस्टम इनका बना रहे हैं और ये इससे ये कंपनी ई कॉमर्स बिजनेस में एंटर करना चाहती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये कंपनी जो है ब्रोकरेज की कंपनी, इनका मेन टारगेट क्या है, अगर आप देखेंगे इनको फुल ब्रोकिंग सर्विस कंपनी से कंपेयर करेंगे, जैसे आपका HDFC ICICI हो गया, उनका जो मॉडल होता है उनका फुल ब्रोकिंग सर्विसेज होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, उनका बैंक भी होगा, उसके अलावा उनका पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलेगा जिसको आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं और अपने ऑर्डर्स डालने के लिए बोल सकते हैं। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बेसिकली ऐप प्रोवाइड किया जाएगा जिसके ऊपर आपको ट्रेड करने हैं। और ये अट्रैक्ट कैसे करेंगे लोगों को, तो उसके लिए इनके लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका जो मेजर टारगेट होगा, और इनका जो 70% कस्टमर भी आप देखें तो मिलेनियल है, और ये लोग क्या होते हैं, ये टेक सेवी है, इन्हें मोबाइल पे बहुत ज्यादा, जो हमारी ये नई जनरेशन है इन्हें मोबाइल पे सब कुछ मिले तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें वही सारी चीजें चाहिए, वो नहीं चाहते कि ब्रांच में जाके विजिट करें और चीजें करें। और ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट जनरेशन भी है और इनके लिए एजुकेशन से लेके हर चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही चीजें को डिटेल में समझ के ही कोई डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे मिलेनियल्स को टारगेट करने के लिए ये कंपनी ने जो है, जैसा हमने देखा, इन्होंने ऐप बनाया है, टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई है पूरी, और उनको एजुकेट करने के लिए, नए नए रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए ये यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया के तहत एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो इनके 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं, जो कि सबसे ज्यादा है इनके कॉम्पिटिटर स्पेस में। अगर आप देखें जीरोधा वगैरह, अपस्टॉक्स वगैरह से भी, तो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब पे इनके ही है, जिसमें ये छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, मॉड्यूल्स बनाते हैं ट्रेनिंग के, एजुकेशन के, और अपलोड करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें ये फेसबुक, लिंक्डइन, कोरा और इंस्टाग्राम पे भी ये प्रेजेंट है। रिसेंटली इन्होंने अपना खुद का ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो ये देखिए, इस कंपनी का सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छा है और सोशल मीडिया प्रेजेंस आज के
टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मिलेनियल्स के लिए, क्योंकि वो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर आपके मेजर जो क्लाइंट बेस है वो सोशल मीडिया ही यूज करते हैं, तो आपको वहां प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वो आजकल के जो मिलेनियल्स है वो यूट्यूब पे जाके सीखना पसंद करते हैं, वीडियो के तहत सीखना पसंद करते हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी टेक्स्ट बेस पे प्रिफर करते हैं, बट मेजोरिटी को आज शॉर्ट वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो उसके लिए ये एजुकेशनल शॉर्ट वीडियोस भी बना के अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। और ये जो वीडियोस वगैरह ये बनाते हैं, अगर आप इसके देखें तो ये टेक्निकल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स और कमोडिटीज, करेंसीज, टैक्सेशन, ये सारे जो मॉड्यूल्स है इनके ऊपर ये वीडियोस बनाते हैं, ताकि इक्विटी मार्केट्स और इन सब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, ताकि जो क्लाइंट्स है या जो नए रिटेल इन्वेस्टर है उनको इन चीजों के बारे में समझ आ सके। ये चाहते हैं कि इनके जो क्लाइंट्स है, रिटेल इन्वेस्टर है, वो ऐसा ना हो कि वो मार्केट में आए और मार्केट में पैसे गवा दे बिना एजुकेशन के। अगर आप मार्केट में घुसते हैं और आप बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं तो बहुत रिस्क होता है, तो वो रिस्क कम करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर का ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सिमिलर मॉडल वायरसिटी का जीरोधा ने लॉन्च किया था पहले, जिसमें वायरसिटी के तहत वो फ्री एजुकेशन ऑफर करते थे, जिसमें वीडियो और टेक्सचुअल फॉर्म में आप कंटेंट कंज्यूम कर सकते थे। तो उससे क्या होता था कि कोई भी नया इन्वेस्टर, कोई भी नया रिटेल इन्वेस्टर, वो इंटरनेट पे जाके किसी भी मॉड्यूल के बारे में जानकारी ले सकता है और वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो उसे अलग से उसके पैसे नहीं देने पड़ते। ये एजुकेशन जो है कंपनीज ये फ्री में प्रोवाइड करती है, और ये एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको न्यू क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने हैं। ये कंपनी अगर आप देखेंगे ना, तो ये इंडियन लैंग्वेजेस में ये कंटेंट ऑफर करती है, और इनका मेजर टारगेट वही रहा है कि ये नॉर्थ के जो रीजन है वहां से इन्होंने मेजर टारगेट किया, यूपी, बिहार वगैरह, और अब धीरे धीरे बाकी लैंग्वेजेस में भी ये कंटेंट बना रहे हैं, जैसे कि गुजराती वगैरह में भी इन्होंने बना दिया है, तमिल वगैरह भी ये टारगेट कर रहे हैं। तो ये कंपनी जो है अपने नेटिव लैंग्वेजेस जो उस एरिया की है उसमें भी ये कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये बहुत ज्यादा लोगों को ऑनबोर्ड कर सके अपने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इंग्लिश सबके लिए समझ में आया ऐसा जरूरी नहीं है। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का थोड़ा कंपटीशन देखने की कोशिश करते हैं। ये डेटा थोड़ा पुराना है और इस क्वार्टर में ये डेटा अपडेट हो चुका है, पर मेरे पास इसके लेटेस्ट नंबर नहीं दिखे, तो ये पुराना डेटा हम समझ लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं हुएंगे। तो ये देखें, अगर आप ये ब्रोकरेज का जो स्पेस है इसमें जीरोधा नंबर वन है। जीरोधा ने बहुत पहले ही डिस्काउंट ब्रोकरेज सर्विस चालू की थी, वो पहली कंपनी थी इंडिया में जिन्होंने डिस्काउंट ब्रोकरेज और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। अगर आप इसका देखें तो इनके 21 लाख कस्टमर थे और ये नंबर वन थे। अब आप देखिए, जीरोधा बाद में आया है इस स्पेस में, फिर भी ये नंबर वन हो चुका है, क्योंकि ये फिनटेक कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, इनके लिए ग्रोथ बहुत आसान होता है, ऑनबोर्डिंग बहुत आसान होता है, इन्हें नए ब्रांचेस ओपन नहीं करने पड़ते। सेकंड नंबर पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, जो कि फुल ब्रोकरेज सर्विस ऑफर करती है, जिसमें रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, ब्रांच होती है, तो इनका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो सेकंड पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, फिर अपस्टॉक है। अपस्टॉक का भी जो मॉडल है वो सिमिलर टू जीरोधा है। अगर आप देखें तो 5 पैसा नंबर 8वें पे दिख रहा है आपको, 5.5 लाख कस्टमर है इसके। तो ये देखिए 8वें पे है, और अगर ये टॉप 10 में देखें तो ये कंपनी 2016 में चालू हुई है, और आप देख ले सकते हैं कि टॉप 10 में ऑलरेडी आ चुकी है ये कंपनी। और अगर आप इनको देखें डिस्काउंट ब्रोकरेज स्पेस में, तो ये टॉप 3 में है। तो ये और इनका ग्रोथ भी काफी अच्छा हो रहा है, और जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये टॉप 4 या टॉप 3 में बहुत ही जल्द आ जाएंगे। और गए क्वार्टर में भी इनके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। जो पिछला क्वार्टर था जिसमें लॉकडाउन हुआ और लोगों को लगा कि शायद अब मार्केट गिरेगा तो लोग उससे दूर जाएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। रिटेल ट्रेडर्स और भी ज्यादा आ गए, रिटेल इन्वेस्टर्स और भी ज्यादा मार्केट में आए, बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम में अकाउंट ओपन हुआ। जीरोधा ने पिछले क्वार्टर में हर महीने 2 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ऑनबोर्ड किए हैं, और अगर आप देखेंगे वही सेम नंबर जो 5 पैसा के लिए था, इन्होंने पिछले क्वार्टर में 1.6 लाख कस्टमर्स ऑनबोर्ड किए हैं। तो जीरोधा का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जीरोधा का प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, जीरोधा लीडर है इस स्पेस में। पर अगर आप देखें तो यहाँ 5 पैसा भी मार्केट गेन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसे कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं और या उसे वो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। और इनका टारगेट है कि पहले ये 10 लाख कस्टमर अचीव कर लें, क्योंकि एक बार अगर आपके पास कस्टमर इतने ज्यादा आ गए तो वो खुद ही अपने रिलेटिव्स को बताएंगे कि आप ये प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, यहाँ डिस्काउंट है, और वो फिर वर्ड ऑफ माउथ से प्लेटफॉर्म की जो डिमांड है और वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप जीरोधा भी देखेंगे तो जीरोधा एडवर्टीजमेंट स्पेंड नहीं करता है, तो उसका भी यही है कि उन्होंने इतनी फ्लैट डिस्काउंट ब्रोकरेज सर्विस चालू की थी, उसकी वजह से उन्हें मार्केटिंग करनी नहीं पड़ी और वो बहुत पहले एंटर हुए थे और लोगों को इतना प्लेटफॉर्म पसंद आया कि वो अपने आप बढ़ता गया। तो 5 पैसा भी सिमिलर मॉडल रिप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा है, और अपस्टॉक्स भी देखेंगे तो अपस्टॉक का भी मॉडल सिमिलर है, पर वो एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत पैसा खर्च करते हैं और उनका भी देखे तो ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो मैं 5 पैसा को अपस्टॉक और जीरोधा को बीट करते हुए तो नहीं देखता, पर जरूर जीरोधा एंड अपस्टॉक के बाद 5 पैसा नंबर 3 पे आ सकता है 2 सालों में, अगले 2 से 3 सालों में, जैसा इनका ग्रोथ
होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता HDFC या ICICI या कोटक जो फुल ब्रोकरेज वाली कंपनीज है वो क्लाइंट बेस में इनसे कम्पीट कर पाएंगी, पर उन कंपनीज को हम इससे कंपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो टारगेट कस्टमर्स है वो अलग है। तो वो हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं, वो ओल्ड एज जनरेशन है जिन्हें सपोर्ट चाहिए होता है चीजें समझने के लिए, जो टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं उनके लिए है, या तो फिर उन्हें एक पर्सनल टच चाहिए, उनको हर चीज समझनी है, उन्हें चाहिए कि ऐसा कोई हो जिस या ब्रांच हो जहां वो जा सके, थोड़ा ट्रस्ट कर सके। पर इनका उस इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की वजह से इन कंपनीज को जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो भी बढ़ जाता है और उनका स्केलेबिलिटी भी कंसर्न आ जाता है, और इसकी वजह से इनका प्लेटफॉर्म भी अगर आप देखें कंपेयर करें तो इनके प्लेटफॉर्म भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इतने अच्छे नहीं होते जितने कि आप ज़ीरोधा, अपस्टॉक या फाइव पैसा का देखेंगे। तो ये तो हो गया ये कॉम्पिटिशन के बारे में, पर अगर आप देखेंगे एक यूनिक बात ये है कि ज़ीरोधा नंबर वन होने के बावजूद और अपस्टॉक भी नंबर थ्री होने के बावजूद अगर आप ऐप डाउनलोड स्पेस देखेंगे तो फाइव पैसा का ज्यादा है। ज़ीरोधा एंड अपस्टॉक के 1 मिलियन ऐप डाउनलोड है एंड्रॉइड में, जबकि फाइव पैसा के 5 मिलियन ऐप डाउनलोड्स है। तो वहां पे इस कंपनी की लीडरशिप है, सोशल मीडिया में भी इस कंपनी की लीडरशिप है, यूट्यूब पे इनके चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आपके प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे तो वो ऑनबोर्ड होंगे। और जैसा मैंने बताया ये कंपनीज के लिए नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा कस्टमर होंगे फिर उनका रेवेन्यू बढ़ेगा और इनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन तो कम ही रहेगा, वो तो ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, तो इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी। और अभी इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि ये सेल्स बढ़ाएं, नए नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करें और टॉप थ्री में आने की कोशिश करें और अपना पेनिट्रेशन बढ़ाएं, क्योंकि एक बार अगर आप उस पोजीशन पे आ गए कि आपको बहुत ज्यादा कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म पे आ गए तो आप आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं, और वो चीज ऑलरेडी ज़ीरोधा कर रहा है। अगर मैं आपको जैसे बता दूं कि रिसेंटली ज़ीरोधा ने खुद का वैल्यूएशन, ये कंपनी लिस्टेड नहीं है और इसकी वजह से हम उसमें उसके शेयर्स नहीं ले सकते, वरना मैं तो जरूर ज़ीरोधा के शेयर लेता, कंपनी मुझे बहुत बेहतरीन लगती है, पर वो लिस्टेड नहीं है। उन्होंने अपना कंजर्वेटिव वैल्यूएशन किया कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं, कंजर्वेटिव वैल्यूएशन किया, तो उसके तहत भी वो प्राइस टू बुक 6 कंसीडर करके ये कंपनी $1 बिलियन कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है। ये कंपनी 2010 के आसपास शुरू हुई थी, तो वो देखे तो आपका पोटेंशियल आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेस का पोटेंशियल कैसा है, ग्रोथ कैसा है, उसके बारे में आइडिया बन जाएगा। अगर आप आज के टाइम पे कंपेयर करें तो 5 पैसा का जो मार्केट कैप है 1000 करोड़ का ही है, तो इसका अगर देखेंगे अगर आप क्लाइंट बेस एक्सपांड होता है 21 लाख, वैसे लंबी जर्नी है, पहले तो ये देखें शायद होपफुली ये साल के एंड तक ये 10 लाख क्रॉस कर जाएंगे, और अगर हम अगले 3 सालों में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी अगर 21 लाख तक पहुंच जाते हैं तो ये कंपनी भी हमें $1 बिलियन वैल्यूएशन पे आते हुए दिख सकती है। तो 3-4 सालों में इस कंपनी का भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है अगर आप देखें तो, पर अभी तक ये कंपनी लॉस मेकिंग है, ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पर जैसा मैंने बताया इन टेक्नोलॉजी कंपनीज को हम स्टोरी के बेसिस पे बाय करते हैं कि ये कंपनी क्या प्रॉफिटेबिलिटी अटेन कर पाएगी, क्या ये कस्टमर अट्रैक्ट कर पाएंगे, और वो एक जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां से फिर उनके कस्टमर इतने हो जाते हैं कि फिर अब वो ऑपरेशन को सब्सट्रैक्ट भी कर दे जो उनका ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसके बाद प्रॉफिट ये बनाने लगे कि तो क्या ये वहां पहुंच गई है, उसके बारे में भी हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। और इस कंपनी के लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं हम, और उसके बाद हम इसके बैलेंस शीट पे चलेंगे और देखेंगे कि ट्रेड कैसे हो रही है। तो इस कंपनी ने वेस्टेड जो कि एक कंपनी है जो कि जीरो कमीशन पे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है यूएसए मार्केट में, उनसे पार्टनरशिप कर ली है। ये ऑफरिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी कंपनीज कर रही है ये ऑफर, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को फैंग स्टॉक में, फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला वगैरह शेयर्स में, क्योंकि वो कंपनीज डिसरप्टिव कंपनीज है, वो इनोवेशन के तहत बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे रही है और लोगों को ग्लोबली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उन कंपनीज को बाय करने में। तो ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस कंपनी के लिए भी ये प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ज़ीरोधा भी इस पे काम कर रहा है, पर आई थिंक ज़ीरोधा ने ये ऑलरेडी प्रोवाइड करना शुरू नहीं किया है, तो इस डोमेन में इस कंपनी ने ऑलरेडी लीड ले ली है, ज़ीरोधा काम कर रहा है और इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। और जैसे कि मैंने बताया पिछले क्वार्टर में इन्होंने 1.6 लाख कस्टमर ऐड करे और हमें किए, और इनके अब टोटल कस्टमर 7 लाख हो चुके हैं, वो जो पुराना डेटा था वो ओल्ड था। और इसके कॉम्पिटिटर जो है ज़ीरोधा, उन्होंने हर एक महीने में 2 लाख कस्टमर ऐड किए, तो ज़ीरोधा ऑब्वियसली लीडर है उस सेगमेंट का, तो उसके जो प्लेटफॉर्म का अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, लोग वहां ज्यादा जाते हैं। पर जैसा कि आप देख रहे हैं इस कंपनी को भी कस्टमर्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये मार्केट शेयर नहीं गेन कर पा रहा है। इसके अलावा इस कंपनी ने के जो ऐप डाउनलोड है एंड्रॉइड के वो 5 मिलियन क्रॉस कर लिए हैं, आप कॉम्पिटिशन का देखेंगे तो वहां 1 मिलियन ही है। रिसेंटली इनके बोर्ड ने अप्रूव किया कि ये 1150 करोड़ का फंड रेज करेंगे इक्विटी और बॉन्ड्स के तहत, लॉन्ग टर्म लोन भी होंगे उसमें कुछ, और मोस्टली ये इक्विटी के होगा। लास्ट ईयर इन्होंने राइट इश्यू भी किए थे, तो ये कंपनी पैसे काफी उठा रही है मार्केट से, और ये पैसे ये यूज कर रहे हैं नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए सर्विसेज में एक्सपांड करने के लिए। जैसा हमने देखा इन्होंने 3 सब्सिडरी बनाई है जिसके तहत वो इंश्योरेंस बिजनेस में,
पीयर टू पीयर लेंडिंग बिजनेस में और ई कॉमर्स बिजनेस में भी एक्सपांशन कर रहे हैं। तो ये कंपनीज ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, रेवेन्यू ओरिएंटेड होती है, प्रॉफिटेबिलिटी इमीडिएटली इनका टारगेट नहीं होता। इवेंचुअली दे वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट, पर इनका इमीडिएटली ये टारगेट नहीं होता कि हम प्रॉफिट बनाए। ये पहले चाहते हैं कि हम मार्केट में शेयर गेन करें, मार्केट में लीडर बनने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपना खुद का फ्री ऐप लॉन्च कर दिया है। पहले ये यूट्यूब के तहत एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, अब इन्होंने खुद का एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है जिसमें आपको देसी भाषाओं में हिंदी गुजराती में आपको कंटेंट मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये धीरे धीरे दूसरे तमिल वगैरह लैंग्वेजेस भी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इंक्लूजन बढ़ेगा, ये छोटे छोटे शहरों में भी टारगेट कर पाएंगे। अगर आप देखें तो इनका जो ग्रोथ है टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज में बहुत ही अमेजिंग रहा है। 80-90% का ग्रोथ इनको देखने मिला था रिसेंटली टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज में। तो वहां जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेजेस अगर सपोर्ट आप ऑफर करेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देखने मिलेगा क्लाइंट्स का। इसके अलावा जो एक सीटीओ थे फ्लिपकार्ट के रवि गरीकीपति, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया है। ये भी बहुत अच्छा अपडेट है। फ्लिपकार्ट जैसा कि हम जानते हैं आज उस $20 बिलियन से ऊपर की कंपनी बन चुकी है और ये भी टेक्नोलॉजी कंपनी है। बट फ्लिपकार्ट का थोड़ा मॉडल अलग है, उस स्पेस में अभी भी वो लोग रेवेन्यू ड्रिवन है, वो प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं। पर ये स्पेस में हम देख रहे हैं कि जीरोधा जो लीडर है ऑलरेडी पिछले साल उसने 350 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था 850 करोड़ के रेवेन्यू पे। तो ये कंपनी भी अगर वहां पहुंच जाएगी तो फिर प्रॉफिट बनाने लगेगी। वैसे एक बेहतरीन बात है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये हो गया इस कंपनी के बारे में। अब हम थोड़ा चलते हैं, इसका बैलेंस शीट देखते हैं और ये ट्रेड कैसे हो रही है वो देखते हैं और इसका वैल्यूएशन भी देखने की कोशिश हम करेंगे। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये कंपनी जब हम वीडियो बना रहे हैं 396 रुपए पे ट्रेड हो रही है, ये 5% अप था। तो इस कंपनी के तो ऑलरेडी दिख रहे हैं ये ऑलमोस्ट अपर सर्किट पे है लग रहा है। पहले एनुअल रिजल्ट देख लेते हैं, बैलेंस शीट वगैरह देखने की कोशिश करते हैं, बाद में हम थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है, फिर वैल्यूएशन पे जाएंगे। तो अगर आप देखें रेवेन्यू इस कंपनी का, तो मार्च 2017 में इसका रेवेन्यू 7.5 करोड़ था, 2018 में देखें 19 करोड़, 2019 में देखें 60 करोड़, फिर 108 करोड़ और पिछले 12 महीने का अगर आप देखें 128 करोड़। तो आप रेवेन्यू ग्रोथ देखिए ट्रेमेंडस रहा है, 7 करोड़ से 2017 से 2020 में ये कंपनी 108 करोड़ तक पहुंच गई है। तो ये अगर आप देखें तो ये जो ग्रोथ है बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बेहतरीन है रेवेन्यू ग्रोथ। और जैसा मैंने बताया टेक्नोलॉजी कंपनीज ग्रोथ टारगेट करती हैं, सेल्स टारगेट करती हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इनका बाद में आ ही जाता है। पर अगर आप यहाँ देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये देखें तो मार्च 2020 में ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाने लगी थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया था, पर नेट प्रॉफिट अगर आप देखें, यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो फिर भी वो नेगेटिव था। तो टोटल अगर आप देखें इंटरेस्ट वगैरह ऐड करने के बाद इस कंपनी ने प्रॉफिट नहीं बनाया, बट ऑपरेशन लेवल पे ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। और आप देखें ऑपरेशन कॉस्ट अगर आप देखें 2017 से 2020 तक अगर आप देखें तो ऑपरेशन कॉस्ट का ग्रोथ कंपेयर करिए आप और इसके रेवेन्यू से, तो ऑपरेशन कॉस्ट में भी ग्रोथ आई है पर रेवेन्यू का ग्रोथ देखें तो वो ज्यादा बढ़ा है। तो ये कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल हो चुकी थी 2020 में ही, पर अगर आप देखें तो ओवरऑल प्रॉफिट नहीं हुआ था इन्हें फिर भी। तो ये कंपनी ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉफिट बनाने लगी है, ऐसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एनुअल बैलेंस शीट से। और आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं, वहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है। क्वार्टरली में भी अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 5 करोड़ से एक क्वार्टर में 2017 में, तो इस दिसंबर क्वार्टर में 5.4 करोड़ से 42 करोड़ एक क्वार्टर में अगर आप देखें तो ग्रोथ आया है। तो यहाँ पे क्वार्टरली ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन रहा है, पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो क्वार्टरली ग्रोथ बहुत बेहतरीन रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने एनुअल पे देखा, जैसे कि पिछले साल इस कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया था, तो ये क्वार्टर में भी इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया है। अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ आई है 3.9 करोड़ से 9.9 करोड़, और इसके बाद देखिए तो पिछले क्वार्टर में पहली बार इस कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट बनाया 2.8 करोड़ का। अभी तक ये लॉस मेकिंग कंपनी थी पर पिछले क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट बनाया। अब हमें आगे देखना पड़ेगा कि आगे के भी क्वार्टर में प्रॉफिट बनाते हैं या नहीं, क्योंकि इस कंपनी का टारगेट प्रॉफिट बनाना अभी नहीं है, ये सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और उसके बाद लॉन्ग टर्म में इनको प्रॉफिट आ जाएगा, जैसे कि जीरोधा ऑलरेडी बना रहा है। अभी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेल्स बढ़ाए, पर अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल होने की कगार पे ये कंपनी आ चुकी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले से ही बना रही है और टोटल लेवल पे नेट प्रॉफिट भी ये कंपनी बनाने लगी है। तो ये बैलेंस शीट अगर आप देखें तो जैसा हमने एक्सपेक्टेशन रखा था कि सेल्स बढ़ना चाहिए, कस्टमर एक्विजिशन बढ़ना चाहिए, वो सब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो वहां हम बहुत बड़ा थम्स अप देंगे इस कंपनी को। पर आप ट्रेडिशनल कंपनीज से कंपेयर करेंगे और प्रॉफिट वगैरह देखने जाएंगे तो आपको देखने नहीं मिलेगा। तो आप पीयर ग्रुप से देखते हैं कि कैसा है और वहां देखते हैं कि ये कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो आप 5 पैसा का देखिए, यहाँ पीयर ग्रुप में आपको जीरोधा नहीं मिलेगा, वो लिस्टेड प्लेयर नहीं है। पर अगर आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 484 पे ट्रेड हो रहा है, ये 396। वैसे प्राइस से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें कोई अंदाजा नहीं मिलता। पर आप मार्केट कैप अगर आप
देखिए तो ICICI सिक्योरिटीज का 15,000 करोड़ का है, 15,593 करोड़ का इस कंपनी का, 1,000 करोड़ का। वैसे ICICI सिक्योरिटीज जैसे हमने देखा नंबर 2 पे थी कंपनी, पर ICICI सिक्योरिटीज को डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वो फुल ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, 5 पैसा डिस्काउंट ब्रोकर है। तो यहाँ अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट ICICI सिक्योरिटीज का 193 करोड़ का रहा और इनका 2.8 करोड़ का प्रॉफिट भी यहाँ कम है। और जैसा हम देख रहे हैं कि ये कंपनी में जब ग्रोथ आएगा इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। अब यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू देखें आप तो इनका 7.3 है और ICICI सिक्योरिटीज का 12.89 है। वैसे यहाँ डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं कर सकते हम क्योंकि ये दोनों का बिजनेस मॉडल ही अलग है। ICICI सिक्योरिटीज में आपको इतनी बेहतरीन ग्रोथ देखने नहीं मिलेगी सेल्स में जितना आपको 5 पैसा या 0 था या आप स्टॉक में देखने मिलेगा, तो इनका डायरेक्ट कंपेरिजन यहाँ से नहीं किया जा सकता। पर अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखें तो 7.3 है और जीरोधा ने अपने आप को कंजर्वेटिव वैल्यूएशन करके रिसेंटली $1 बिलियन का वैल्यूएशन दिया था। तो इस कंपनी को हम अगर देखें तो प्राइस टू बुक जो है वो 6 का अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। फिर भी आप अगर इनका देखेंगे तो ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इनका एक जो वैल्यूएशन है वो बहुत करेक्ट वैल्यूएशन पे अराइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये स्टोरी बेस्ड कंपनी है, इनका ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये कंपनी इस डोमेन में और कस्टमर्स गेन कर पाएगी जो कि अभी लग रहा है और ये कर पा रहे हैं और इनके बहुत ज्यादा ऑफरिंग्स भी हैं जो कि बहुत बेहतरीन है, तो ऐसी कंपनीज को आपको उन स्टोरीज देख के आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो मुझे ये कंपनी के जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन तो ठीक है, वैल्यूएशन आप बहुत कुछ डिराइव नहीं कर सकते, वहां जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी है, कस्टमर्स ग्रोथ भी है, नंबर 1 तो नहीं है पर ये top 3 या top 4 में जरूर आ सकते हैं। और ये जो डोमेन देखेंगे फिनटेक का, डिस्काउंट ब्रोकरेज का जो डोमेन देखेंगे, यहाँ भी इंटरेस्ट बहुत बड़ा है और लॉकडाउन की वजह से चलते जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा एंटर हुए हैं और उससे इस कंपनी को और बाकी को भी फायदा हुआ है। तो ये हो गया इस कंपनी का जो हमने क्वार्टरली रिजल्ट देखा, पीयर कंपैरिजन देखा। कंपैरिजन वाइज हम बहुत कुछ डिराइव नहीं कर सकते हैं बट प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आपको मिल रहा है 6 से 7 के आसपास तो वो बहुत डिसेंट बोलूंगा मैं, क्योंकि 6 से 7 का वैल्यूएशन जो है जीरोधा खुद को दे रहा है प्राइस टू बुक का। इसके अलावा फाइनेंशियल रेशियोज भी देख सकते हैं। तो बुक वैल्यू इस कंपनी का हम देखेंगे तो रिसेंटली ग्रोथ आई है, प्रॉफिट नहीं था फिर भी ये बुक वैल्यू में ग्रोथ आई है। इन्होंने राइट इश्यू भी किए थे और अभी हम देख रहे हैं जैसे कि अभी और भी 1150 करोड़ का फंड रेस करने वाले हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है इस कंपनी के बारे में। तो अगर हमको समराइज करना पड़े तो ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हम देखेंगे कि इनका सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा होना चाहिए और ये टारगेट कर रहे हैं कि इनका सेल्स ग्रोथ अच्छा हो और वो सब सारी चीजें हमें देखने मिल रही है इस कंपनी में। तो ये कंपनी का प्रॉस्पेक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कंपनी मुझे लग रहा है कि हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए इसकी स्टोरी पे बिलीव करके। हो सकता है कि जो हम अज्यूम कर रहे हैं ऐसा ना हो तो यहाँ रिस्क तो जरूर है, पर अगर ऐसा हुआ जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जैसा ग्रोथ दिख रहा है तो फिर ये कंपनी हमें बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकती है अगले 5-6 सालों में। तो मुझे ये कंपनी बहुत पॉजिटिव लग रही है और अगर हम देखें तो इसमें इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है वो SIP मोड फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन जो है ऐसा नहीं है कि बहुत आपको डीप डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर, ये कंपनी के प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये अभी भी शॉर्ट टर्म में भी ऊपर और जा सकती है। रिसेंटली इस कंपनी में थोड़े फॉल आए थे क्योंकि SEBI ने रूल्स चेंज किए थे, पर अगर आप देखें इस कंपनी ने मार्च का जो लोज थे इनका ओवर भी देख ले तो यहाँ आप देखें तो इस कंपनी का अराउंड 199 के अराउंड इस कंपनी ने मार्च में लोज बनाया था और फिर ये 450 के आसपास पहुंच गए थे हाईज और अभी ये अराउंड 400 के आसपास अगर आप देखेंगे 396 पे अराउंड ट्रेड हो रहे हैं। तो इस कंपनी में वापस से ग्रोथ आई है, लोज आया था, लोगों को लगा था कि रिटेल इन्वेस्टर दूर जाएंगे, इनको कस्टमर नहीं मिलेंगे, हालांकि हुआ एग्जैक्ट अपोजिट, इसकी वजह से इस कंपनी में ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखी। तो इस कंपनी का जो मेजर फैक्टर है वो ड्राइव करेगा इसको कि इसको कस्टमर्स मिल रहे हैं या नहीं, और जब तक इनको कस्टमर मिल रहे हैं इनकी सेल्स बढ़ेगी और फिर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और ये कंपनी एक्चुअली में प्रॉफिट बनाने लगेगी। तो ये हो गया इस कंपनी का एनालिसिस, आप बताइए हमें कमेंट्स में कि इसका एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप ये शेयर लेंगे या नहीं लेंगे, और हमें कमेंट्स करके बताएं आप और कौन सी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं कि हम कवर करें। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।